मुझे नरेशन अच्छे नहीं लगते मतलब दे डोंट वर्क फॉर मी मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक कदम भी आगे बढ़ाया ना हंजुलिका तो गला काट डालूंगी तेरी रीत का आई थिंक इसलिए वो जानबूझ के याद नहीं करता है ताकि मैं उसको याद दिला दूँ मेरे पास टाइम हो तो और कुछ एक्सप्लोर करूँ लेकिन एक साल में मैंने आई वॉज शूटिंग फाइव फिल्म आई डोंट थिंक आई हैड द टाइम हाई दिस इज तबू एंड यू आर वॉचिंग पीपिंग मून डॉट कॉम सो पीपिंग मून डॉट कॉम में मेरा नाम है निशांत और मेरे साथ एक ऐसी मिस बैंकेबल बेटी है क्योंकि 300 से 400 सौ जिनकी फिल्म करे वो भी 2022 में वो बैंकेबल कैसे नहीं हो सकती है और वो है ओनली बॉलीवुड में सब प्यार से हम भी प्यार से उन्हें तब्बू के नाम से जानते हैं स्वागत है आपका पीपी मून थैंक यू क्या इंट्रोडक्शन दिया ना एकदम एकदम बैंकबल मतलब बैंक जाने के एबल बैंक जाने के एबल, एबल। और बैंक में से विड्रॉ करने के सुपर एबल।

I was going to say that only. Yes. अनिस ने एक दिन मुझे फोन करके बोला तब्बू जी एक फिल्म है आपसे बात करनी है आ, अच्छी भी है आगे पूछे ही मुझे मालूम था कि अनिस भाई के साथ तो काम करना है और फिर जब सब्जेक्ट सुना तो मैंने बोला यार ये और अनीस भाई का कॉम्बिनेशन

हमारे पास टाइटल और गाना था इतना पॉपुलर गाना था और लेकिन ये फिल्म का उससे कोई लेना देना नहीं था नहीं।, नहीं था ये कहानी ही कुछ और है जो इंस्पायरिंग एक्टर है या जो इंस्पायरिंग डायरेक्टर है वो भी लाइफ में चाहेगा कि तब्बू जी को अपनी स्क्रिप्ट सुनाए ठीक है तो मैं जानना चाहता हूँ कि तब्बू जी स्क्रिप्ट कैसे सुनती है क्या तब्बू जी स्क्रिप्ट पढ़ती है ई मेल पे या नरेशन लेती है कौन सा बेटर अच्छा लगता है और क्या आपको कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है नरेशन कभी कभी कुछ लोग प्रेफर करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है नरेट करना उनको लगता है कि नरेशन बहुत ज़रूरी है आ, लेकिन मुझे नरेशन अच्छे नहीं लगते मतलब दे डोंट वर्क फॉर मी मोस्ट ऑफ द टाइम कभी अच्छा लगता है सुन के कभी नरेशन आप पूरा सुन लेते हो तो मेरे को लगता है अरे वाह पूरी पिक्चर देख ली अब चलो घर चलो यू नो बिकॉज सब परफॉर्मेंस के साथ होता है आ, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट अपने आप पढ़ना बेटर लगता है कि जब मैं चाहूं फिर बंद कर दूं फिर वापस जाऊं पढूं ऐसे करो अपने स्पेस में मतलब आप किताब पढ़ते हो किताब 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 बेस्ट है यू नो फिर आप अपने हिसाब से उसको सोचते हो आ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस या जो भी उसका आइडिया आता है वो मुझे डायरेक्टर और राइटर्स को मिलने के बाद ही आता है तब्बू जी ये कर सकती है वो कर रही है कम काम करना है पर क्वालिटी काम करना है सब वो तो मैं हमेशा चाहती थी हां

सबका टाइम वेस्ट होता है ना तो उस डर के मारे आपको डायलॉग याद रखने पड़ते हैं कि <laughs> एक था जब आप, आप, तो वैसे आपको होता है, आप बोल देते हो बट कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं आपको लगता है कि मैंने यहाँ ठीक नहीं बोला डबिंग में इसे ठीक कर दूंगा यू नो डबिंग अभी डबिंग साउंड आ गया ही नहीं है कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते आप डबिंग में आपको जब वही करना है जो भी करना है तो हाँ तो मतलब वही डिफिकल्ट जैसे मिस्टर बच्चन है मैंने मिस्टर बच्चन से पूछा था हाँ, आपको क्या पसंद है डबिंग पसंद है सिंग साउंड से सर प्रेफर डबिंग तो उन्होंने कहा कि मुझे डबिंग पसंद है एक्चुअली डबिंग का आजकल ऑप्शन है नहीं है ही नहीं बिकॉज सारा सिंग साउंड है तो आईडो हमारी भी आदत शायद चली गई है डबिंग की लेकिन एडवांटेज ये है कि क्योंकि मैं डबिंग के प्रैक्टिस में हूं तो अगर मुझे डबिंग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ सी और डबिंग एक ऐसा टीडियस लगता था पहले कि ऐसा लगता है यार शूटिंग खत्म हो गई फिल्म खत्म हो गई खत्म हो गया ना अभी घर चले गए फिर वो फिर एक दो महीने के बाद फिर डबिंग के लिए फोन आता था कि डबिंग करना है तो ऐसा लगता है अरे यार अभी काम बाकी है मतलब मैं आपको वापस आपके कैरेक्टर में जाना पड़ता होगा ना डबिंग करते जो उस वक्त था, वो तो वापस है और कुछ चीजें आप डबिंग में नहीं कर पाते हो यू बट दोनों और डिसएडवांटेजेस है यार और वैसी कोई फिल्म जैसे आपको याद है जहां आपको लगा कि मैंने मुझे ये परफॉर्मेंस थोड़ा Low लगा या मुझे ये परफॉर्मेंस हाई लगा मैं दोनों बात कर रहा हूँ लो इसलिए कि कि शायद आपको लगा मैं में से कर मुझे एक्चुअली की जब बात आई ना मुझे हमेशा ऐसा लगता था जब मैं लैंग्वेज uh, फिल्म करती हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट लाइक पच्चीस तीस फिल्में की हैं अलग अलग लैंग्वेजेज पे तो मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि यू नो जैसा मैं हिंदी में बोलती हूँ मैं उसी कन्विक्शन uh, से बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ या नहीं यू नो इज इज इट इट कमिंग अक्रॉस इन द सेम दम बिकॉज जब आप एक दूसरी लैंग्वेज में बात करते हो आप अपने आप को नहीं सुन पाते हो और समझ पाते hmm. हो यू you नो know? आपको मीनिंग मालूम है लेकिन वो एक अंदर से नहीं आ रहा होता है ना hmm. तो मेरा हमेशा क्वेश्चन होता था जैसे नेमसेक में मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैं शूटिंग नेमसेक के ओ, मैं पैकअप के बाद आती थी मुझे लगता था कि एक, एक अलग मुझे लग रहा है एक्सपीरियंसेस परफॉर्मेंस के बारे में तो फिर मुझे समझ में आया कि बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आई uh, थिंक वो मेरी पहली फिल्म थी एक मैंने की थी फिल्म बट बहुत पहले तो वो एक लैंग्वेज uh, का आपके साथ जो रिश्ता है आपके परफॉर्मेंस का और आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का तो वो एक बहुत अनोखा रिलेशनशिप uh, है तो वो मुझे लगता है कि मैंने लैंग्वेज बोल रही हूँ तेलुगु या तमिल तो मुझे लगता है मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं इवन hmm. दो कोई और डबिंग करने वाला है फिर भी आई वॉन्ट टू लाइक बी परफेक्ट बी परफेक्ट वो करेक्ट एक्सेंट में आना चाहिए इसे मैंने इस बार जब अपनी तो कुंटपुरम लोग की तो मैंने डायरेक्टर को बोला कि मैं डबिंग करना चाह रही हूँ बिकॉज़ वो मुझे एक बात लगती थी कि मैंने इतनी लैंग्वेजेस की फ़िल्म की लेकिन मेरी आवाज़ इस्तेमाल नहीं हुई mm -hmm. और तेलुगु में बोलती हूँ तो मैं कर पाऊंगी mm -hmm. तो त्रिविक्रम ने बोला हंड्रेड परसेंट यू विल ओनली डू डबिंग सो आई इसने बोला of course, Go ahead and do it. Mm -hmm. तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा एक और माइल uh, था मेरे करियर में कि एक तेलुगु फिल्म की डबिंग मैंने खुद की इट वॉज माई ओन वॉइस भूल में एक शॉट था क्लाइमैक्स में जबकि आवाज हमको बहुत मतलब वो नहीं आई थी करेक्टली और एक ही लाइन नहीं बिकॉज ऑफ एम्बियंट साउंड क्या था वो लाइन क्या थी कुछ <laughs> एक कदम भी आगे बढ़ाया ना अंजुलिका तो गला काट डालूंगी तेरी रीत एम्बियंट साउंड की वजह से साउंड का कुछ उसकी वजह से वी वर थिंकिंग टू डबल जस्ट दैट वन लाइन बट अनिस भाई को लगा के बिल्कुल जरूरत नहीं है वो वो एक भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा ना जो पहले कोई केबल से से के ऊपर ऊपर मैं अभी वो ही बोलने वाली थी। एंड <laughs> मास्टर <laughs> <And, laughs> जी वर्मा जिन्होंने मुझे मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस पे बहुत यू नो शुरू शुरू में थोड़ा ये केबलिंग और बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ होती है फिजिकली आप, आप कपड़े भी पहनते तो उसके आप कपड़े भी पहनते हैं तो एक तो आपका साइज बढ़ जाता है बट कुछ नहीं कर सकते आप yes. और पूरी नाइट शूट्स थी हमारी मोस्टली भूल की नाइट शूट्स थी और लेकिन जो जिस तरह से मुझे उठा के पटक रहे थे भूल में बिल्कुल ऐसे फुटबॉल के जैसा बट मास्टर uh, जी वॉज ब्रिलियंट और कोई भी मतलब नुकसान के बिना इतना सारा एक्शन हो गया और आई थिंक पूरी फिल्म में ही मैं हारनेस पे थी और मैं कहीं ना कहीं झूल रही थी हवा में और लटक रही थी आ, और भूत तो एब्स्ट्रैक्ट होता ही है तो उसको कैसे प्ले करें उसका कोई रूल तो है नहीं तो ये ये सारा भूल का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था। OTT को लेके आपने एकाद दो फिल्में। आपको बड़े फिल्म, बिग स्क्रीन ये पसंद है ना? ऐसा कुछ नहीं है, के लिए थी हाँ। आ, के लिए है हाँ। और इतना ही मैं कर सकती हूँ मतलब मेरे पास टाइम हो तो और कुछ एक्सप्लोर करूँ लेकिन हाँ। आ, एक साल में मैंने बात so करने के लिए बहुत शुक्रिया Thank you.